बताएं सर थीम इस हफ्ते की। बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी, थीम एकदम बाजार से जुड़ी हुई है, ऑफकोर्स बाजार से जुड़ी हुई रहेगी, बट बाजार की गिरावट से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी करेक्शन जो मार्केट में देख रहे हैं, बहुत लोगों के, बहुत निवेशकों के दिमाग सुन पड़ गए होंगे कि भाई जिस हिसाब से गिरावट हो रही है और काफी टाइम बाद देख रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या सही वक्त है खरीदने का, तो इसके ऊपर ही आज का थीम है। और इसका नाम रखा है फॉलन चैंप्स, मतलब वो चैंपियन जो गिरे हैं बट वो अभी भी क्लास बरकरार है, इनका क्लास परमानेंट है, इन पे खरीदारी कर सकते हैं, हालांकि बाजार के प्रेशर में गिरे हैं। क्वालिटी कंपनियां जो करेक्शन में खरीदने चाहिए, वो कंपनियां जो 12-20% गिर चुके हैं, वो कंपनियां जो ओवरऑल फॉल के बाद भी बाजार के मजबूती में, बाजार के स्विंग में, अपसाइड में सबसे पहले रिकवर करके दे सकते हैं, जिनके ग्रोथ मॉडरेशन कंसर्न्स अभी दिख रहे हैं, वॉलिटिलिटी है, बट आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रह सकता है, जिनके मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छे हैं, अच्छे से बाउंस बैक करना जानते हैं बिजनेसेस को, ओवरऑल रोबस्ट अर्निंग्स है, कंपनियों की स्पेंडिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, R&D फैसिलिटीज में इनोवेशन लाते हैं, प्रोडक्ट्स में लीडरशिप पोजिशन है इनके प्रोडक्ट्स में, और ओवरऑल ये कंपनियां ये बाजार के बाउंस बैक में सबसे पहले बाउंस बैक करेंगे, तो वो कंपनियां जिसके ऊपर आज थीम लाए हैं फॉलन चैंप्स। फॉलन जेम्स, चैंप्स, ओके, फॉलन चैंप्स, ओके, गिरे हुए चैंपियन, नाम तो अच्छा रखा है, फॉलन जेम्स, आइडिया भी अच्छा है। पहले तो मैं जेम्स समझा, मेरे को एकदम जेम्स साहब याद आए, फिर मैंने जेम्स नहीं चैंप्स। बताएं सर कौन कौन से चैंपियन आपको इधर उधर गिरे हुए पड़े दिख रहे हैं? गिरे हुए तो सब है, पर अब गिरे हुए स्टॉक्स में कहां खरीदारी करनी है वो देखना है। सबसे पहली कंपनी जिनके नतीजे, और ये चारों ही कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, चार कंपनी चुनने हैं क्योंकि नतीजों का सरप्राइज मैंने आपके लिए नहीं रखा है। पहली कंपनी होगी बजाज ऑटो, बजाज ऑटो जिसका टारगेट आपको रखना है 14,000 का, 14,000 का 18th October, बहुत ही पिछले हफ्ते से ही हम इसे रिकमेंड करना चालू किया आफ्टर द रिजल्ट, करेक्शन हो चुका 18% का, फेस्टिव सीजन के सेल्स अच्छे आने की उम्मीद है डबल डिजिट में, एक्सपोर्ट 38% आने की उम्मीद है, टू व्हीलर का जो मार्केट शेयर है 18% पे है, थ्री व्हीलर का मार्केट शेयर 67% पे है, 40% का ग्रोथ आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में FY26 में, ओवरऑल वॉल्यूम्स भी आप 25% के इजाफा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बजाज ऑटो टू व्हीलर की कंपनी जिसका टारगेट 14,000 का रखना है। दूसरी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, नतीजे थोड़े नरम दिखे, खराब दिखे, बट इस पे खरीदारी करनी है क्योंकि चैंपियन है, 1265 का टारगेट रखे, October 2022 से ये हम रेकमेंड करते आ रहे हैं, करीबन 52-week हाई से 20% का करेक्शन हो चुका है, टी कॉफी बेवरेजेस वाटर टाटा संपन्न स्पाइसेस ड्राई फ्रूट ये सारे सेगमेंट में है, संपन्न ग्रो हुआ है 26% से, स्टारबक्स सबसे बड़ा कॉफी चेन है आज देश में, 457 स्टोर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, रेडी टू ईट सेगमेंट में ये फोरे कर रही है जो अच्छा ग्रोथ ला सकती है, साथ ही साथ टाटा संपन्न भी बहुत अच्छा ग्रोथ ला सकती है, इनके लिए मुनाफा 18% से ग्रो हो सकता है, और जो ये रेडी टू ईट फूड सेगमेंट है और नए प्रोडक्ट से ये ग्रोथ ला सकती है कंपनी के लिए। तीसरी कंपनी होगी पॉलीकैब जिसका टारगेट 8332 का रखना है, 8332 का, December 2019 से, विद डिस्क्लेमर ये हम रेकमेंड करते आ रहे हैं, 12-13% के आसपास के करेक्शन हो चुके हैं, लीडर है वायर्स एंड केबल्स का, 25-26% का मार्केट शेयर है, अपस्विंग जो हमें दिख रहा है रियल एस्टेट में ये जारी रह सकता है, मार्केट शेयर ये रेवेन्यू 20,000 करोड़ का आ सकता है इसी साल में, ओवरऑल मुनाफा 16% और मुनाफा 17% से ग्रोथ हो सकती है आने वाले समय में, मार्जिन 12-14% की उम्मीद रख रही है मैनेजमेंट पॉलीकैब की। चौथी कंपनी होगी सीजी पावर पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 950 का, इनके भी नतीजे थोड़े कमजोर दिखे मार्जिन वाइज, 27 सितंबर से ये हम रेकमेंड करते हैं इसी साल, विद डिस्क्लेमर 13-14% के आसपास के करेक्शन हो चुके हैं, 52 हाई से मौका है इसको खरीदने का, पार्ट ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ट्रांसफॉर्मर्स रिएक्टर्स ये सब बनाती है, ओवरऑल सेमीकंडक्टर का जो प्लांट गुजरात में आ रहा है 7,600 करोड़ का, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, हॉर्स मोटर पावर्स में 35% का इनका मार्केट शेयर है, ऑर्डर बुक करीबन 8,000 करोड़ के करीब के है,
और हम मान रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट में और भी केपेक्स करने की योजना है कंपनी द्वारा। कामकाजी मुनाफा सीएजीआर 21% से ग्रो हो सकता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर, ये चारों कंपनियां बहुत ही बेहतरीन कंपनी नतीजे आ चुके हैं। ऑल दो नतीजों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी रही है, बट ये चैंप्स है, इनके प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा ग्रोथ आ सकते हैं। जैसे ही मार्केट में एक अपस्विंग आएगा ये सारों कंपनियां अच्छे से बाउंस बैक कर सकते हैं। 6 महीने के लिहाज से आप इनपे खरीदारी जरूर कर सकते। ओके, तो ये है राय आपके लिए आते हुए इस वक्त सिद्धार्थ जी की तरफ से। चार बड़े और बढ़िया स्टॉक, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर, पोली कैब और सीजी पावर, इनमें खरीदारी करने की राय। फॉलन चैंप्स, गिरे हुए चैंपियंस, चैंपियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विजेता नहीं, चैंपियन सिद्धार्थ जी बताएंगे वही। लेकिन सिद्धार्थ जी चैंपियन को हिंदी में क्या कहेंगे? वो तो हिंदी के तो सर अनिल जी आप मास्टर हैं हमारे, हम तो आपसे सीखते हैं। एक बार जरा हिंदी टेस्ट की जाए, कुणाल जी की भी और अंकित, दोनों भाषाओं पर बड़ी पकड़ है, और डॉक्टर बंसल भी बता सकते हैं, और भी किसी को चैंपियन जल्दी से ढूंढ लो गूगल में, जब तक स्क्रीन पे आप सब लोगों नहीं आ रहे।